कहीं आप देखिए फिक्शन आप क्या में लिखा जाता, फिक्शन लिखने में बड़ा प्रॉब्लम होता है। अब पोइट्री तो आसान है ना, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, ऐसा कुछ लिख दीजिए चल पड़ेगा। फिक्शन भी अब यूजलेस है ही नहीं। रजिया सुल्तान के कुछ नावल होते थे किसी जमाने में, बट वी कांट राइट फिक्शन, वी ओनली राइट पोइट्री। जो हमारी लैंग्वेजेस हैं, शाह लतीफ के ऊपर काम नहीं है, बुले शाह पे कोई काम नहीं है हमारा, हम इकबाल और फैज के पीछे भागे रहते हैं। दोनों ने अपनी मादरी जबान में कुछ नहीं कहा, ना कोई रिसर्च करते हैं। मोहनजोदारो जिस मुल्क में हो और टेक्सिला हो, वहां कम अज कम हर साल एक दो स्कॉलर तो निकले एंशियंट स्टडीज में। मोहनजोदारो के साथ यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बनती? 5,000 साल पुराना शहर आपके बाजू में और आपको कुछ नहीं पता, अंग्रेज खुद के निकाल के दे के चला गया। उन्होंने कहा ठीक है यार, तोड़ेंगे नहीं। टेक्सिला आपके सामने बमियान स्टैचू टूट गया, आप तो उफ भी नहीं हुआ। नाचने लोग से किसी कोई एक पॉलिटिशियन होता अगर वो बमियान स्टैचूज पे ऑब्जेक्ट करता। मैं उस जमाने में आपके यहाँ टोरंटो में टेलीविजन शो होस्ट करता था कॉल्ड मुस्लिम क्रॉनिकल। बड़े ही प्रोमिनेंट पाकिस्तानी स्टूडेंट लीडर को यहाँ से मैंने बुलाया, उनकी ऑर्गेनाइजेशन में थी, टू टॉक अबाउट द अन इस्लामिक नेचर ऑफ ब्रेकिंग अप ऑफ। अच्छा, मेरा पॉइंट ये था कि इंग्लिश में शो होता था कि लोगों पर नजर तो आए कि समझदार लोग बैठे। उस बेवकूफ ने आके टीवी पे कहा कि ये तो हमारा फर्ज है कि हम बमियान स्टैचू आज तक जिंदा किसे थे वो। तो मैंने कहा वो था आपने महमूद गजनवी, वो तो उसके बाद ही आए ना, उन्होंने क्यों नहीं तोड़ा? और अब्दाली ने और ये इतने किंग अमानुल्लाह ने और जो कोई लुटेरा आया उसने वो छोड़ के दिल्ली पे हमला किया। कहते वो तो इलाका फिर हमारा मुसलमानों का था ना। आप यकीन नहीं कर सकते हैं, पीपल वर सो ट्रबल्ड दे स्टार्टेड राइटिंग, यू वर डिफेंडिंग द डिस्ट्रक्शन ऑफ बमियान स्टैचूज बाय लिविंग इन कनाडा। तो अगर वही शख्स अगर कहता कि दिस वॉज टेरेबल, तो लोगों को ये होता कि यार कुछ इनमें समझदार लोग भी हैं। अब एक आदमी PhD कर रहा है फिलोसफी और पॉलिटिकल साइंस वगैरह में, वो बाद में पता चला कि वो जिहादियों में शामिल हो गया था, जाके वहां लड़के आया कश्मीर में, वो कहां कहां संभालेंगे? ऐसे माहौल में एक सियासतदान के लिए सेफेस्ट है कि वो मजहब की बात करे। आपके सामने कम्युनिटीज हैं जिनको फिक्स कैलेंडर आता है। 9th century में चांद का फिक्स कैलेंडर इजिप्शियंस ने सॉल्व कर लिया था। आप आज तक अभी बैंक के ऊपर चढ़ के दूर भी लगा के मौलवी दे रहे, अरे नजर आया नहीं, नजर आया नहीं, बादल आ गया सामने, अरे पागल हो गया, काबुल हमेशा जल्दी नजर आता है, कराची में नजर ही नहीं आ रहा। व्हाट सॉर्ट ऑफ पीपल डिटरमिन द कैलेंडर बाय मून साइटिंग बाय एल्डरली पीपल? अगर ये भी होता ना कि अच्छी नजर रखने वाले चश्मा ना हो उसके पास, वो वी आर लाफिंग स्टॉक। हमें ये जो एहसास नहीं है कि जिस मुल्क की सबसे बड़ा हॉलिडे डिटरमिन नहीं कर सकते आप किस दिन है, वो क्या बनाएगा? वो कोई ऑटोमेटिक मशीन तो बना ही नहीं सकता ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी नहीं बना सकता, उसका कैलेंडर ही डिटरमिन नहीं हुआ अभी तक। बिल्कुल, नीड टू स्टेप आउट। और जब तक धर्म मजहब और सियासत को आप अलग नहीं करेंगे इन योर कॉन्स्टिट्यूशन, आप देखेंगे कि आपसे आगे निकल जाएंगी वो कंट्रीज, जैसे श्रीलंका का बुरा हालत है, ये फिर निकल के आपसे आगे निकल जाएगा, आप यूं ही तड़पते रह जाएंगे। बिल्कुल, और मेरे ख्याल है ये बिल्कुल अलग कर देना चाहिए सियासत को और मजहब को, जो साथ लेके चलते हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है। हमारी दादी नानी 5 वक्त नमाजें पढ़ती थी, उनको सियासत से मसला नहीं होता था। हमारे आज की जो हैं उनको सियासत से भी मसला है और मजहब से भी प्रॉब्लम है। वो मिलाद भी हो रहा है और पीपल पार्टी में भी जाना और इमरान खान के पास भी है, और इट्स एंड एवरीथिंग इन फुल मीडियोक्रिटी। कुरान आपके घर में है, आपने किसी ने क्रोनोलॉजिकली नहीं पढ़ा, किसी ने डिस्कस नहीं किया, एक-एक सिपारे पे 10-10 घंटे की बहस हो सकती है, बात हो सकती है किस वक्त था, उस वक्त दुनिया में क्या हो रहा था,
यू नीड टू एलिवेट योर स्टडीज अबाउट इस्लाम. यानी मैं आपको बताऊं सर, मेरी मदर जो थी वो मतलब उनको ऑब्वियसली उनको वो लैपटॉप वगैरह यूज करना नहीं आता था, ठीक है. तो वो मुझे कहती नहीं कि मुझे टॉप 12 रिलीजियस निकाल के दो उसमें से गूगल करके कि वो क्या थे, और मैं वो निकाल के, मेरे पास प्रिंटर भी है, मैं प्रिंट आउट निकाल कर और उनको देती थी, वो पढ़ती थी कि क्या है. अभी किसी को कहें तो वो कहेंगे कि किस तरह की हरकतें करते थे इसके घर के लोग, मगर हम पढ़ना ही नहीं चाहते. वो टॉप 12 निकाल के हर तरह की चीजें पढ़ा करते हैं. हाँ, दुनिया में और कौन से रिलीजन है? इस्लाम के अलावा भी 10 रिलीजन है ना. नहीं, और कितने रिलीजन है क्या? ठीक है, अल्लाह का दीन है वो तो मान लिया ही है क्या. हम अगर 50,000 साल से इस दुनिया में पैदल जो हम प्रिमिटिव इंसान से बल्कि जो दो टांगों पे चलने वाले हैं, इन लोगों के पास क्या रिलीजन क्या होता था? ये क्या हजरत मूसा की ये जो जो मजहब था, क्या उसी से इब्राहिमिक रिलीजन शुरू हुए? उससे पहले ग्रीस में क्या था? प्लेटो का क्या रिलीजन था? एरिस्टोटल क्या था? यहाँ मोहनजोदारो में क्या मजहब था? हमें जस्तुजू ही नहीं है इस चीज की. रिलीजन एज अ सब्जेक्ट हम स्टडी नहीं करते, रिलीजन एज अ प्रैक्टिस हम करते. कि ये रिलीजन है क्रिकेट की बॉल, इससे देखो माथा फाड़ दूंगा इसका मैं, बम्पर मार मार के. वी आर यूजिंग आवर रिलीजन एज लिटरली एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ हाउ टू गेट अहेड, नॉट हाउ टू एजुकेट योरसेल्फ. या उससे क्यूरियोसिटी हो कि भाई दरख्त उगता क्यों है, ये बेल जमीन पे फैल रही है, वो बेल ऊपर चढ़ी जा रही है, अरे इसमें बैठ जाए. अरे भाई बॉटनी में मास्टर्स किया है तो कुछ हमें बता ही दो कुछ. वो होता है फलाने एग्जाम पास करने के लिए. बायोकेमिस्ट्री वाले आरएनए डीएनए का नहीं पता होता, होता मतलब आगे कुछ जी नहीं, वही ना, आगे पढ़ते ही नहीं है ना कि आगे और कौन से रिलीजन है, पढ़ना भी नहीं चाहते. रिलीजन को छोड़ दे, मैं सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ. कोई भी हो, जैसे इस्लामिक हिस्ट्री का मास्टर्स की डिग्री मिली, अब इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ना बंद, अब सीएसपी के एग्जाम की तैयारी शुरू. तो वी विल करेक्ट आवरसेल्व्स, बट इट विल टेक फार लॉन्गर देन इट हैज बीन नेसेसरी. बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन यही है कि हम यही चाहते हैं कि यहाँ पर जो है वो रिलीजन को जरा कम देखें, सियासत में खास तौर पे, और थोड़ा एजुकेशन के ऊपर ज्यादा तवज्जो. वो जो मेरी किताब है ना चेसिंग अ मिराज, उसको पढ़ के आपको पूरा हक है कि उसको फोटोकॉपी करके जिसको बांटनी बांटे, क्योंकि आई हैव एनालाइज दिस कि करना क्या है और कर क्या रहे हैं हम, और खड्डा खोदे जा रहे हैं. अरे तो कब्र लग रही है मेरी, तूने तो खोदी है, मैं क्या करूं.